ब्लड ग्रुप, कार्ल लैंडस्टीन और वीनर ने मिलकर खोजा था ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में दो चीज़ होता है, प्लाज्मा आरबीसी, प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है स्मॉल ए या बी, आरबीसी होता है एंटीजीन कैपिटल ए, जिसके जो जो एंटीजीन है जो आरबीसी में होता है उससे अब ग्रुप का पता चलता है। और एंटीबॉडी ये बताएगा कि आपका मतलब इम्यूनिटी कितना होगा, कितना आप जर्म को मार सकते हो, उसके कैपेबल। ग्रुप ए में क्या होता है, और ग्रुप जो होता है ना, ग्रुप जो आप ए बी बोलते हो वो हमेशा एंटीजीन से रिलेटेड होता है, ठीक। तो ग्रुप ए में क्या होगा, एंटीजीन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा, और ग्रुप में एंटीजीन ए हो बी एंटीजीन बी हुआ और एंटीबॉडी ए हो गया। ग्रुप ए बी में क्या हो गया, ए बी का एंटीजीन होगा और कोई एंटीबॉडी नहीं। ग्रुप ओ में यही होता है कि दोनों एंटीबॉडी होता है, जिसके कारण जिसके पास ग्रुप ओ की ब्लड ग्रुप है उसको जर्म की मारने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, ग्रुप ओ वाले की। क्योंकि एंटीजिन मेन क्या कर रहा है, एंटीजिन का काम होता है मेनली आइडेंटिफाई जर्म करना और मारना, और मारना एंटीबॉडी का होता है, तो मारना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आइडेंटिफाई कर लिया और मार ही नहीं पा रहे हो, आपके अंदर वो गोली गोली बारूद नहीं है, जस्ट लाइक अभी यूक्रेन की तरह, तो क्या कर पाओगे, वही वाली बात है। तो एंटीबॉडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द एंटीजिन, एंटीजिन भी इम्पॉर्टेंट है। रेसस फैक्टर, आरएस फैक्टर, रेसस बंदर में पाया गया था पॉजिटिव, अगर है रेसस फैक्टर तो पॉजिटिव होता है, नहीं होने से निगेटिव होता है एब्सेंट। डोनर जो सबसे यूनिवर्सल डोनर है ओ माइनस, यूनिवर्सल रिसीवर है ए बी प्लस, मतलब जिसके में नहीं है, जिसके में है रेसस फैक्टर। एरिथ्रोब्लास्टोसिस मेल में पॉजिटिव एंड फीमेल में निगेटिव।